जामिया मिलिया के सभी सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं। कुछ भी बोलने से मैं किसी जगह या चीज के बारे में एक दो लाइन पढ़ता जरूर हूं। तो अफरोज आलम साहिब की यह किताब है, ये मेरे इलाके के हैं। थोड़ी सी नजर मैंने भी डाली आपकी यूनिवर्सिटी आजादी के आंदोलन की कल्पना से, उसकी भावना से प्रेरित है। और अच्छी बात यह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी जामिया ने अपना यकीन नहीं खोया। आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्व का दिन है कि हमारी प्यारी जामिया 100 साल की हो गई है। मैंने यहाँ पर अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी और मुझे जितना प्यार और इज्जत जामिया से मिली है उसको मैं हमेशा अपने जीवन के सुनहरे पलों में गिनता रहूंगा। मेरी दुआ है कि जामिया यूं ही तरक्की करे और जामिया वाले ऐसे ही प्यार बांटते रहें। एक बार फिर आप सबको सेंचुरी मुबारक हो। पहुंची पे नवेद के साथ हैं आप। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, क्या हाल चाल। आज सारी चीजें भूल जाने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपको बताना चाहता हूं। आपको मालूम है, जिस माइक पे जिसने बोलना मुझे सिखाया, जिसने तालीम मुझे दी, जिसकी वजह से मैं आपके करीब आया, जिसने मोहब्बत आपसे बढ़ा दी, हिंदुस्तान आज उस जामिया मिल्लिया इस्लामिया को 100 साल पूरे हो गए। नवेद और मिर्ची की तरफ से पूरे हिंदुस्तान 100 साल मुबारक। आप अगर इस वक्त मुझे दिल्ली में सुन रहे हैं, आप जामिया से हैं या जामिया से नहीं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश करेंगे सब मिलकर कि आने वाले 100 साल इससे ज्यादा बेहतर, इससे ज्यादा कामयाब और इससे ज्यादा अच्छे गुजरे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। 98.3 मिर्ची पे नवेद की तरफ से एक बार फिर से तहे दिल से मुबारकबाद। और आप अगर जामिया से हैं तो नवेद की तरफ से आपको ये 100 साल 100 बार